हेलो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे ये वीडियो उन आस के लिए है जिनको एग्जाम से डर लगता है जिनको फ्यूचर से डर लगता है जिनको मौत से डर लगता है जिनको जीवन में किसी भी प्रकार का डर लगता है तो ये स्टोरी सुनने के बाद आप फियरलेस हो जाएंगे और जीवन को एक फियरलेस तरीके से जियेंगे राइट सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ तो क्या होता है कि एक बुद्धिस्ट मोंग होते हैं वो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ध्यान कर रहे होते हैं ठीक है ना तो बेचारा एक चूहा होता है जो बिल में छुपा हुआ रहता है राइट और वो हमेशा अपना बिल में दबक के रहता है थोड़े दिन बाद ऐसा ही कुछ टाइम बीतता है तो चूहा बिल से बाहर निकलता है उसको लगता है मोंग भाई साहब मेडिटेशन कर रहे हैं तो संत आदमी है कुछ हमारी समस्या का समाधान बताएंगे तो इनको अपनी समस्या बताते हैं वो आया मोंग के पास प्रभु मैं चूहा हूं मुझे बहुत डर लगता है बिल्ली से इस डर की वजह से मैं बाहर घूम नहीं पाता हूं कि बिल्ली मुझे कहीं खा ना ले काश मैं बिल्ली होता तो मैं आराम से बाहर घूम पाता तो मोंग कुछ सोच समझ के बोलते हैं चलो मैं तुम्हें चूहे से बिल्ली बना देता हूं राइट तो मोंग उसे क्या करते हैं चूहे से बिल्ली बना देते हैं ठीक है थीके? अब ये बिल्ली भाई साहब आराम से घूमते हैं सब जगह थोड़े दिन बाद ये फिर मोंग के पास पहुंचते हैं मोंग को अपना मेडिटेशन में ध्यान में लगे हुए होते हैं और फिर जाके मोंग को मोंग इनसे पूछते हैं क्या हुआ भैया तुम तो चूहा चूहे में बहुत दुखी थे बिल्ली बन बनने के बाद तो तुमको बहुत फियरलेस होना चाहिए खुश होना चाहिए कह रहे हैं क्या करें बिल्ली ये बिल्ली बोली कि क्या करें भाई साहब बहुत दिक्कत है बाहर निकलते हैं कुत्ते झपट लेते हैं कल तो हम मरते मरते बचे नहीं तो कुत्ते बिल्ली मौसी निपटा दिए होते मैं बहुत परेशान हूँ बहुत दुखी हूं मैं बहुत डरा हुआ हूँ काश कि मैं कुत्ता होता तो बहुत आराम से घूम पाता बिल्ली भी का भी कोई जीवन है कुछ नहीं है सब बेकार है मोंग बोलते अच्छा चलो मैं तुम्हें कुत्ता बना देता हूं तो मोंग क्या करते हैं अपने इनको बिल्ली से कुत्ता बना देते हैं कुछ लोग कुत्ता वर्ड पे बुरा मानेंगे डॉगी बना देते हैं ओके ठीक है डॉगी बना डॉगी को आराम से घूमता है ठीक है ना कुछ दिन बाद फिर मेडिटेशन करते रहते हैं मोंग को वहीं पर फिर आता है कहता है प्रभु सब बेकार है इस जीवन में सब बेकार है मैं घूम रहा था उधर शेर खड़ा था दहाड़ दहाड़ के मुझे डरा रहा था आज तो मैं दहाड़ से बचता हूँ नहीं तो मुझे हार्ट अटैक हो गया होता है बहुत परेशान हूं मैं काश मैं शेर होता तो मैं स्वतंत्रता से फियरलेस तरीके से घूम पाता बड़ी समस्या है ये शेर जो अंकल हैं बहुत परेशान करते हैं दहाड़ते रहते हैं जब बाहर निकलो एक बार दहाड़ देते हैं भागाता हूं मैं क्या करूं बेचारा डर के मारे कुछ करो काश कि मैं शेर होता और जंगल का राजा होता तो मैं फियरलेसली पूरे जंगल में घूमता और मुझे कोई डर नहीं होता मोंग कहता अच्छा कुत्ते को तो शेर बना देते हैं शेर भाई साहब घूमते जंगल बढ़िया दहाड़ता है जंगल के राजा ठीक है कोई टेंशन नहीं घूमते फिरते कुछ समय बाद आता है फिर शेर घूम के आता है पूछते हैं मोंग को बताता है अपनी व्यथा प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ कल मैं दहाड़ रहा था तीन चार शिकारी आ गए एक ने तो हम पे गोली चला दी मरते मरते हम बचे ये मनुष्यों से मुझे बहुत खतरा है काश मैं मनुष्य होता तो सुकून से घूम पाता ये शेर की भी कोई जिंदगी है जब दहाड़ो तब लोग एक गन लेके खड़े हो जाते हैं गोली मारने जान से मारने का धमकी देने लगते हैं ये जिंदगी बहुत खराब है मैं बहुत भय में हूं कुछ इसका निवारण करूं तब मॉन्ग इनको रिप्लाई करते हैं देखो मैंने तुम्हें शेर बना दिया अब तुम जंगल के राजा हो तब भी तुम भय में जी रहे हो तो उन्होंने इनको समझाया चाहे आप चूहा हो चाहे आप बिल्ली हो चाहे आप कुत्ता हो चाहे आप शेर हो ठीक है जो फियर है वो हर जगह है चूहे को फियर बिल्ली से नहीं है बिल्ली को फियर कुत्ते से नहीं है कुत्ते को फियर लॉयन से नहीं है और लॉयन को फियर आदमी से नहीं है फियर इनके दिल में है फियर इज इन योर हार्ट फियर आपको किसी से नहीं है ये आप इनसिक्योरिटी अपने दिल में पाल रखे हो जिसकी वजह से आप डरे हुए हो चूहा भी आराम से घूम सकता है कुत्ता भी आराम से घूम सकता है बिल्ली भी आराम से घूम सकती है शेर भी आराम से घूम सकता है प्रोवाइडेड जो दिल में उन्होंने फियर पाल रखा है ना उससे ओवरकम कर तो उन्होंने इनको समझाया मॉन्क ने इनको समझाया, समझाया प्र देखो भैया डर आपके दिल में है डर किसी अवस्था में नहीं है कि आप ह्यूमन बन जाओगे आपको किसी भूत प्रेत से डर लगने लगेगा ठीक है और ये प्रक्रिया चलती ही जाएगी कंटिन्यूली चलती जाएगी ठीक है तो जब आपको डर लगता है डर आपके अंदर है बाहर कोई यानी आपको डरा सकता है। सिर्फ आपका दिल आपको डरा रहा है आपका हार्ट आपको डरा रहा है उसको ओवरकम करो कैसे करो ध्यान करो मेडिटेशन करो ठीक है ना फियर आपके अंदर है आपको कोई तब तक नहीं डरा सकता जब अब तक आपका जो दिल है अंदर से वो ना डरे ठीक है ना आपको अंदर से स्ट्रांग बनना है बाहर आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता सर मुझे लोग गाली देता है रिश्तेदार बहुत ताना मारता काहे सुनते है भैया खाना खाने को देने आएगा रिश्तेदार आपको हर बार क्रिटिसाइज करेगा जब पैसा नहीं होगा तो ना होने के लिए क्रिटिसाइज करेगा और जब ज्यादा होगा और तुम दे नहीं पाओगे किसी की मदद नहीं करोग कर पाओगे तब भी गाली देगा ठीक है लोगों का काम है आपको क्रिटिसाइज करना जब तक जिंदा है तब तक निंदा है इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना जब तक जिंदा हो तब तक निंदा है जिंदा है तो निंदा है जिंदा जीवित लोगों की तो निंदा होती है ठीक है जो फियर है वो आपके दिल में है बाहर आपको कोई नहीं डरा सकता अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओ खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाइए कैसे स्ट्रांग बनाएंगे प्रभु नाम लो ठीक है ना मेडिटेशन करो सेल्फ बिलीव डेवलप करो कि मैं कर सकता हूं और मैं अपने दम पे कर सकता हूं जब ये सेल्फ बिलीव आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे आपको दुनिया में कोई नहीं जरा सकता आप चाहे चूहा हो आप चाहे बिल्ली हो आप चाहे कुत्ता हो आप चाहे शेर हो चाहे आप ह्यूमन हो आप एक फियरलेस जिंदगी जी सकते हैं सो आई होप कि आप इस वीडियो से ये जरूर सीखेंगे कि डर आपके अंदर है ना कि आपको कोई बाहर से डरा रहा है ठीक है ना अगर आपका इंटरनल मनास्थी ठीक है तो आपको बाहर की परिस्थितियां इफेक्ट नहीं कर सकती हैं बाहर की परिस्थितियां आपको तभी इफेक्ट करती हैं जब आपकी अंतर दशा जो है वो ठीक नहीं होती है ठीक है अगर आप गेट एंड ये के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे न्यू ईयर पे अन अकेडमी लेके आया है ट्वेंटी परसेंट ऑफ ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ ऑन ऑल प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू कैन Go through this price list. As well as you can contact at this number for more detail. मोक्ष का कोड लगाना ना भूलें जी Life isse aap इससे आप धरती से सीधा jayenge जाएंगे ठीक है ESE 2022 ke toppers from ट्वेंटी टू के टॉपर्स फ्रॉम अकेडमी ठीक है उड़ान बैच स्टार्ट हो गया है उन ऑस्परेंट्स के लिए जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बुनियाद बैच फॉर 2025 ट्वेंटी मिशन बैच फॉर फॉर द प्रिपेयरिंग इसमें आपको गेट एंड यूपीएससी का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आप अपनी आई आर एम एस की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं ठीक है ऑल इंडिया मॉक एथ जैन को है आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस ऑल इंडिया मॉक इसके थ्रू आप अपनी लाइव रैंकिंग जान सकते हैं उससे भी बेहतरीन आप हंड्रेड परसेंट तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं जिससे कि आपका जो यूपीएससी गेट और यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है वो इजी हो जाएगा आप स्मूथ वे में प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको 100 परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा सो so, आपको अन अकेडमी का प्लस क्लासेस देखने के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है सो डू अटेम्प्ट दिस ऑल इंडिया मॉक ठीक है आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू बाय टेक केयर